बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्षय का जन्म 7 सितंबर 1967 को हुआ था। अक्षय ने खिलाड़ी नाम से लगातार 8 फिल्में की तो उनका नाम ही खिलाड़ी कुमार पड़ गया। करण जौहर ने हाल ही में अपने टॉक शो कॉफी विद करण 7 में एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज़ और कैटरीना कैफ के भाई सेबेस्टियन लॉरेन माइकल के रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु इन दिनों अपना प्रेगनेंसी फेस एंजॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस के घर में उनकी गोद भराई का फंक्शन रखा गया था जिसे बंगाली रीति रिवाज के साथ पूरा किया गया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अनन्या पांडे फुर्सत के पल निकालकर इटली में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। वहीं से खूबसूरत लोकेशन के साथ अनन्या पांडे ने बोटिंग राइड का मजा लेते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे एक बार फिर बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा के सक्सेस के बाद फिल्म के मेकर्स इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर वाई रविशंकर ने बातचीत के दौरान बताया कि पुष्पा द रूल के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। मस्ती और धमाल जैसी जबरदस्त कॉमेडी फिल्में बना चुके डायरेक्टर इंद्र कुमार अब थैंक गॉड लेकर आ रहे हैं। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह स्टारर थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक्ट्रेस समंता अरूद प्रभु की फिल्म यशोदा का टीजर रिलीज हो चुका है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये टीजर है। समंता इसमें एक प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभा रही है। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की आवाज पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और सारा अली खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स नजर आए। गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे। स्टार्स की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। सारा अली खान और क्रिकेटर शुभमन गिल के अफेयर की खबरें चर्चा में बनी हुई है। इस बीच गिल के एक दोस्त ने उन्हें बर्थडे विश करते हुए दोनों के अफेयर को लेकर बड़ा हिंट दिया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, बहुत सारा प्यार। राखी सावंत और आदिल दुरानी की जोड़ी सॉन्ग तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं में नजर आने वाली है। दोनों के इस सॉन्ग का टीजर रिलीज हो चुका है। जल्द ही गाना भी रिलीज होगा। यूट्यूब पर इस टीजर वीडियो को हजारों में लाइक्स मिले हैं।